शहनाज की तबीयत हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। फैंस कर रहे हैं शहनाज के लिए प्रार्थना। टीवी इंडस्ट्री के फेमस एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला 2 सितंबर को सबको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। एक्टर के ऐसे अचानक जाने से हर कोई सदमे में है और सबसे ज़्यादा असर पड़ा है इस बात का शहनाज गिल के ऊपर। शहनाज गिल सदमे में है। सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार में जिसने भी शहनाज गिल को देखा उसकी आंखें नम हो गईं। शहनाज की फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई और जिसने भी शहनाज को देखा वो बस रोने लगा। सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार के दौरान शहनाज गिल 2 बार बेहोश भी हुई और जिसने भी शहनाज गिल को रोते हुए देखा वो खुद को रोक नहीं पाया रोने से। शहनाज को इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ अब उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुके हैं। जब से सिद्धार्थ का निधन हुआ है शहनाज गिल बेसुध हैं और उनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। सिद्धार्थ को गुजरे 4 दिन हो गए लेकिन शहनाज गिल अभी भी रोए जा रही हैं। मीडिया रिपोर्टर के अनुसार शहनाज गिल ना कुछ खाती हैं और ना ही सोती हैं। शहनाज गिल किसी से बात भी नहीं करती और बेसुध हो गई हैं, अकेली बैठी रहती हैं और रोती रहती हैं। हमेशा हंसी मजाक करने वाली लड़की जो बहुत ज़्यादा चुलबुली हुआ करती थी उनका ये रूप देखकर लोग चौंक गए हैं। जो लोग भी सिद्धार्थ के घर गए उन्होंने बस यही बताया कि शहनाज पूरी तरीके से बिगड़ चुकी हैं और वो अपनी सुध वो सब खो चुकी हैं। राहुल महाजन ने बताया जब शहनाज गिल अंतिम संस्कार में आई थी तो बहुत तेज चीखी, मम्मी जी मेरा बच्चा, मम्मी जी मेरा बच्चा। ये जानते हुए कि सिद्धार्थ अब जिंदा नहीं है वो उनके पैर रफ कर रही थी और उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। राहुल महाजन ने बताया शहनाज गिल सदमे में है और मैं उन्हें देखकर कांप गया था। शहनाज गिल और सिद्धार्थ का रिश्ता पति पत्नी से भी ज़्यादा मजबूत और गहरा था। आपको बता दें शहनाज गिल प्यार को लेकर हमेशा सिद्धार्थ से खुल के बात किया करती थी। उनका हमेशा से यही कहना था कि उन्हें सिद्धार्थ जैसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए और वहीं सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज को हमेशा अच्छी दोस्त बताकर और उनकी बातों पर हमेशा मुस्कुरा देते थे। हालांकि अब ये खबरें आ रही हैं कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ की दिसंबर में शादी होने वाली थी और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। शहनाज गिल सिद्धार्थ के साथ ही रहती थी। शहनाज के लिए सबसे बड़ा सदमा ये है कि सिद्धार्थ ने उनकी गोद में ही दम तोड़ा। वहीं सिद्धार्थ की माँ जो अब जीना नहीं चाहती, राहुल वैद्य से उन्होंने कहा कि वो अब जीकर क्या करेंगी, वो भी शहनाज की हालत देखकर उनकी चिंता कर रही हैं। शहनाज की पूरी फैमिली और सिद्धार्थ की पूरी फैमिली शहनाज का ख्याल रखने की कोशिश कर रही है लेकिन शहनाज की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। दोस्तों इस समय शहनाज और सिद्धार्थ की फैमिली को दुआओं की बहुत ज़रूरत है, उनके लिए दुआएं कीजिए। ऐसी मुश्किल घड़ी से लड़ने की भगवान उन्हें ताकत दे। सच ए स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग। एक जवान बेटे के जाने का दर्द क्या होता है वो शायद आप और हम कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। और आंटी ने खुद ये बात कही और वो बात सुन के हम दोनों हक्के बक्के रह गए थे। आंटी ने कहा कि यू नो बेटा हमेशा सुना था कि किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का जवान बेटा मर गया, हमारे साथ होगा कभी ऐसा सोचा नहीं था। बोलती मैं किसके लिए जीऊंगी, सब खत्म हो गया यार। और कितनी तारीफ करूं सना, पूरा सीजन तेरे साथ ही रहा यार। अब जाने दे मुझे, पका मत। अच्छा चल।